कोविड नेगेटिव होने के बाद एकता ने शुरू की नागिन की तलाश। फैन से मांगे सजेशंस। टीवी क्वीन के रूप में मशहूर एकता कपूर को हाल ही में कोरोना हो गया था, लेकिन अब एक्ट्रेस की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और उनका ध्यान फिर से उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ है। एकता अपने सुपरहिट शो नागिन का नया सीजन लेकर आ रही हैं। एकता ने इंस्टाग्राम पर नागिन 6 का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से दुनिया 2019 में एकदम नॉर्मल रहती है, मगर साल 2020 में सब कुछ बदलने लग जाता है। एक महामारी आती है और पूरी दुनिया को जकड़ लेती है। बदल रही है दुनिया और बदल चुकी है नागिन। एकता कपूर द्वारा शेयर किया गया ये 20 सेकंड का वीडियो ही इसकी स्टोरी के बारे में काफी कुछ बयां कर रहा है। एकता ने वीडियो शेयर करने के साथ कैप्शन में लिखा, नागिन 6 के लिए अभी हमने कास्टिंग नहीं की है, आप सभी से सजेशंस चाहते हैं। हाल ही में कोविड से रिकवर किया है, मगर अभी भी मांसपेशियों में खिंचाव और पेट में इन्फेक्शन है। मैंने सुना कि नागिन 6 के लिए कास्टिंग हो चुकी है। अरे भाई बहनों, अभी तक तो किसी भी नाम को ना तो अप्रोच किया गया है और ना तो अप्रूव। आप अपने सजेशंस बताएं। वेल, कई दिनों से आ रही खबरों के अनुसार ये कहा जा रहा था कि रुबीना दिलैक या तेजस्वी प्रकाश बन सकती हैं शो का हिस्सा, लेकिन अब एकता ने ही खुद क्लियर कर दिया है कि किसी भी नाम को अप्रोच या अप्रूव नहीं किया गया है। वेल, आप किसे देखना चाहते हैं नागिन के सीजन 6 में, बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला on Facebook, Instagram and YouTube.